जो सबसे ज़्यादा हवा चल रहा है यहाँ पर ही चल रहा है। जो बारिश वाला बादल है एक लेवल में है, फिर गैप है, फिर बारिश का बादल है, एकदम शांत पड़ा। हमारे यहाँ का जंगल वगैरह एकदम शांत है। जो तूफान आने से पहले एक शांति है ना, वैसा वाला शांति आ चुका है। यहाँ पर मौसम का मिजाज ही कुछ अलग है। देखिए बादल का डिजाइन और वहाँ पे कुछ प्रेशर हाई है, प्रेशर लो है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। और आज है 7 मई। पिछले साल 7 मई को पोर्टिबुलर में भी अच्छा खासा तूफान आया था। मैं वीडियो बनाने गया था अपना पहला साइक्लोन ब्लॉग पिछले साल 7 मई को। अभी एक तूफान आने का है जिसका अलर्ट दिया गया है 9, 7, 8, 9 के आसपास। और लेकिन वो मैंने मैप में चेक करा, वो कैमिलेक से होते हुए डिगलीपुर तक जाएगा तूफान। मेन बात यह है, अगर वो तूफान रुक जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रुका तो ज्यादा तबाही हो सकता है। अब तक मैंने बहुत सारा साइक्लोन ब्लॉक करा है, लेकिन इस बार जो तूफान आने वाला ना तो हटके है। एकदम शांत पड़ा हमारे यहाँ का जंगल वगैरह एकदम शांत है। जो तूफान आने से पहले एक शांति है ना, वैसा वाला शांति आ चुका है कल से। 8 मई शाम 5:30 बजे बीच बीच में अचानक से आज दिन में धूप आ चुका था और फिर बारिश भी आ रहा है। बादल का जो स्पीड है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए धूप बारिश हो रहा है। कल का दिन देखते हैं कैसा होता है। आज 9 मई सुबह 9:30 बजे, रात भर से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ऐसा हल्का हल्का गिरे जा रहा है। और साइक्लोन का जो है ना, साइक्लोन ऑलमोस्ट हमारे आइलैंड से थोड़ा दूर है, मैंने मैप में देखा। और दरअसल क्या है कि वो पहले ग्रेट निकोबार आइलैंड से होके डिगलीपुर तक जाने वाला था। हर एक घंटा हर एक दिन वो हवा के वजह से चेंज होता रहता है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में ग्रेट निकोबार आइलैंड छू के फिर पोर्ट ब्लेयर की साइड जाने वाला है, अभी तक तो यही दिखा रहा है। दरअसल हवा साउथ वेस्ट की साइड से चल रहा है, हम लोग रहते हैं ईस्टर्न घाट में। हवा सिर्फ ऊपर पेड़ में चल रहा है क्योंकि हमारे घर के पीछे साइड बहुत बड़ा पहाड़ी है, उस वजह से हवा का ज्यादा प्रेशर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। दिन के 12 बजे हवा सुबह के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज हो चुका है, आस्ते आस्ते बढ़ रहे, देखे देख सकते हो। और शाम को थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, फिर निकलेंगे कैमरा पकड़ के। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ वेलकम टू दी बिकोरी बीच। तो मैंने देखा मेरे घर के वहाँ ज़्यादा हवा नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा ये बेस्ट बीच है हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड का और कैमलवेक के अंदर पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा है। धूप वगैरह में आने से बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा। आज बारिश है, ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो चेक करके आते हैं कैसा यहाँ पर हवा चल रहा है, उसके बाद और एक जगह जाएंगे। इस मोचा साइक्लोन ने सबसे पहले हिट हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड में किया है, और न्यूज़ और गूगल में मैंने देखा, पता नहीं क्या से क्या ही लोग बोल रहे हैं, वो सिर्फ कंप्यूटराइज देख के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। लाइव इतना खतरनाक है, इतना हवा चलेगा। हाँ हवा चल रहा है, जो भी देख रहे हैं वो थोड़ा मोटा ठीक है, जिस आइलैंड में हिट हो रहा है। जैसे लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको दूंगा ना, वो चेन्नई कौन सा स्टेट में बैठे हैं पता नहीं, लेकिन वो क्या क्या ही बोल रहे हैं, इतना खतरनाक है, क्या क्या फ़ोटो डाल दिया उन्होंने, उन पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्या हालचाल है, बाकी तो पता नहीं, न्यूज़ में लाइव दिखा रहा है साइक्लोन, पता नहीं क्या क्या ही बोल रहे हैं। बोर्ड क्रॉस करने के बाद बीच तक पहुँचने के लिए मतलब एकदम लेवन ही आप चल चल के पहुँचेंगे, थोड़ा हार्ड वर्किंग चलना पड़ेगा, सीढ़ी है ऐसा बना के रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे झाओ के पेड़ है, लेकिन यहाँ का जो सैंड है ना वाइट सैंड है और काफ़ी मस्त वाला सैंड है। ये बीच ना ईस्ट को फेस करता है, इसलिए यहाँ पर हवा नहीं है। क्यों दोस्तों, है ना एक नंबर बीच यहाँ का। दोस्तों ये है बिकोरी बीच कैमल बे ग्रेट निकोबार आइलैंड, बहुत ही प्यारा बीच है। अगर हम सही सनी डे में आएंगे ना तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। यहाँ का जो पानी है ना एकदम लाइट ग्रीन दिखेगा, और ये वाइट सैंड जब रिफ्लेक्ट करे ना काफ़ी प्यारा बीच है ये। बारिश भी उतना नहीं आ रहा है, दिन को जितना बारिश गिर रहा था उससे भी ज़्यादा कम है अभी। बीच एक नंबर है और यहाँ पर हवा भी नहीं चल रहा है। और पीछे देखिए, देख सकते हो जो बारिश वाला बादल है एक लेवल में है, फिर गैप है, फिर बारिश का बादल है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड है इसलिए बारिश थोड़ा बड़ा, अभी बारिश हल्का सा आया है। तो वहाँ पर एक शिप भी खड़ा हुआ है। बीच
तो भाई एक नंबर है। और पानी उतरा हुआ है अभी, काफी प्यारा लग रहा है। चलिए दूसरा साइड चलते हैं और देखते हैं वहां पर हवा कैसे चल रहा है। यहाँ पर तो लग ही नहीं रहा है कि साइक्लोन अलर्ट दिया गया है। हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड कैमल बे एरिया का कुछ इस तरह का हाल है साइक्लोन के टाइम। अब यहाँ पर जाके देखते हैं। थोड़ा बड़ा ही हवा चल रहा है। 12 बजे के आसपास हवा थोड़ा ज़्यादा तेज हुआ था, उसके बाद कम हो गया है। लेकिन मेरे घर के वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा काले बादल है और ऐसा लग रहा है कि सच में साइक्लोन आने वाला है। बाहर आके देखा तो यहाँ पर थोड़ा मौसम साफ है। जो सबसे ज़्यादा हवा चल रहा है यहाँ पर ही चल रहा है और यहीं पर हवा सबसे ज़्यादा चल रहा है क्योंकि साउथ वेस्ट की तरफ से हवा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़े पहाड़ है हमारे यहाँ, वो रोक लेते हैं। लेकिन जो घूम के हवा आ रहा है साउथ ईस्ट की तरफ से, वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। हाँ, उतना ज़्यादा हवा नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है कि वो हमारे आइलैंड से अभी दूर है, चेन्नई और अंडमान निकोबार आइलैंड के अभी सेंटर में जा चुका है, तो ज़्यादा हवा वगैरह नहीं चल रहा है तो कम हो गया, अच्छी बात है। अगर वो साइक्लोन आ जाता तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। पीछे लहर वगैरह है पर उतना नहीं है, ठीक है। तो साइक्लोन दरअसल आइलैंड से साइक्लोन अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड से और चेन्नई यहाँ पर है, इसके बीच में है। वो फोर व्हीलर की और बढ़ सकता है, नहीं होने से बे ऑफ बंगाल में जाके चेन्नई की और भी जा सकता है। ये था मोचा साइक्लोन ब्लॉग नाइट लाइफ के Part 1 के बाद जो Part 2 आने वाला था उसके बीच में ये ब्लॉग डालना पड़ रहा है क्योंकि ये इमरजेंसी है, ये लेटेस्ट अभी चलता है, इसलिए मुझे इसमें डालना पड़ गया। वो ब्लॉग एकदम रेडी है, उसे ही डालने वाला था आज शाम को, लेकिन ये डालना पड़ गया, वो इसके बाद डालते हैं, ठीक है। अभी मेरे घर के यहाँ 7 बजे, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका है। आपको शायद थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, जो मेरे घर के सामने पहाड़ है वहाँ पे जो जंगल है उस पर काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर कल कुछ होता है, नेक्स्ट कुछ ज़्यादा हवा आता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उसको भी डालूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप और साइक्लोन ब्लॉग मेरा देखना चाहते हैं तो, एंड स्क्रीन में वो भी आ जाएगा। तो मज़ा कीजिएगा। ओके, चलिए टाटा।